भक्तिमय गानों के लिए जाने जाने वाले भक्ति सम्राट सिंगर अनूप जलोटा कुछ दिनों से अपनी गर्लफ्रेंड जसलीन को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। कुछ लोगों ने दोनों की जोड़ी को पसंद भी किया, तो वहीं अनूप के गानों को सुनने वाले भक्तों ने गुस्सा भी व्यक्त किया है। और इसका नुकसान अनूप को क्या हुआ है, खुद देख लीजिए। एसोसिएशन है जिसमें हम लोग का जो टू बी रेडियो ऐप है, उसमें हम लोग अनूप जी के भजन, उनके गीत, उनके बाइट्स, उनके बहुत सारे जो वो हमारे भक्तों के साथ बात करते हैं भजन के बारे में, वो हम चलाते थे। पर पिछले दो महीने से, जब से बिग बॉस चालू हुआ है और बिग बॉस में जो भी उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उसके कारण बहुत सारे भक्तों के द्वारा हम लोग को लगातार मैसेजेस, फीडबैक, कॉल्स आ रहे हैं। और वो उनकी जो भी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, उससे भक्त लोग नाराज़ हैं। और क्योंकि हम लोग भक्ति संगीत के चैनल हैं, हमारा डिवोशनल रेडियो ऐप है जिसमें लगातार हम लोग डिवोशनल गाने, डिवोशनल आरती, भजन ये सब सुनाते हैं, तो भक्तों के इतने सारे विरोध और इतने सारे फीडबैक को देखते हुए फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब जब तक ये कंट्रोवर्सी शांत नहीं हो जाती या भक्तों का वापस अनुरोध नहीं आता कि फिर से आप वो भजन या संगीत हमें सुनाइए, तब तक के लिए अनूप जलोटा जी के सारा संगीत हमने अपने ऐप से निकाल दिया, बंद कर दिया। लेकिन फिर भी मतलब ये जो कंट्रोवर्सी पॉपुलरिटी और भी नहीं होती, तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से फ़ायदा भी होता क्योंकि और पॉपुलर हो चुके हैं तो लोग और भी उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पॉपुलरिटी तो बड़ी होगी निसंदेह, लेकिन जो अनूप जलोटा जी का जो नाम था वो डिवोशनल में जो भी भक्ति संगीत है उसमें भजन सम्राट के जैसे उन्हें पूजा जाता था। अगर उसी क्षेत्र में उनका कोई कंट्रोवर्सी हुआ होता या उसी क्षेत्र में अगर उन्होंने कुछ अच्छा उपलब्धि की होती तो शायद और ज़्यादा नाम होता। लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में अब ज़्यादा इंगेज हो गई है, ज़्यादातर अब आज जो बात हो रही है वो उनके जो काम वो करते हैं, जो वो भजन गाते हैं, उसको लेकर नहीं हो रही। अभी बात हो रही है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कौन सी गर्लफ्रेंड है, क्या उनकी उम्र है, तो ये सब चीज़ जो उनके काम को बहुत ज़्यादा असर कर रही है, इसीलिए इतना आक्रोश है लोगों में, इतना लोगों के मैसेज आ रहे हैं। और इसी कारण मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अभी फिलहाल अभी हम लोग उसको बंद करें। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।